हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल ममा एंड शिवाय, जहाँ पर हम बात करते हैं आपकी प्रेगनेंसी के बारे में और आपके बच्चों के बारे में। तो आज की वीडियो है प्रेगनेंसी से रिलेटेड। आज की वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ प्रेगनेंसी का फर्स्ट ट्राइमेस्टर। प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एज अ गर्ल आपको क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए एंड मेरा कैसे एक्सपीरियंस था, बेबी डेवलपमेंट कैसी होती है, वो सारा आज की वीडियो में मैं कवर करने वाली हूँ। तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारे चैनल ममा एंड शिवाय को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट टाइम मैं कोई नई वीडियो बनाऊं तो आप उसे मिस ना करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन, प्रेगनेंसी का फर्स्ट ट्राइमेस्टर क्या होता है? तो जीरोथ वीक से लेके ट्वेल्थ वीक जो प्रेगनेंसी होती है वो होती है फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ योर प्रेगनेंसी एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीक्स, क्योंकि बेबी डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग एंड क्योंकि ये शुरू के 3 महीने 0 वीक से लेकर 12 वीक्स ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल होते हैं एंड इन पे डिपेंड करता है कि आपका आगे वाला प्रेगनेंसी वाला फेज कैसा होने वाला है। इसके अलावा मैं अपना प्रेगनेंसी का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगी, बट ज़रूरी नहीं है कि आपका भी प्रेगनेंसी एक्सपीरियंस सेम हो, क्योंकि प्रेगनेंसी का एक्सपीरियंस सब लोगों के लिए डिफरेंट हो सकता है। थर्ड चीज़, प्रेगनेंसी कंफर्म होने में जनरली 5 to 6 वीक्स लग जाते हैं, तो दैट मींस आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर का हाफ पार्ट ऑलरेडी चला गया है व्हेन यू वर अनअवेयर कि आप प्रेग्नेंट हो। तो अब मैं बताती हूँ कुछ सिम्टम्स जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बहुत ज्यादा कॉमन है। तो नौजिया, मॉर्निंग सिकनेस, इसके अलावा वॉमिटिंग, मूड स्विंग्स, इसके अलावा लाइट स्पॉटिंग। लाइट स्पॉटिंग इज नॉर्मल एंड वो भी बहुत थोड़ी बहुत। अगर आपको ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो आपको अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करना चाहिए, दैट कैन बी अ प्रॉब्लम। कॉन्स्टिपेशन इज वेरी कॉमन इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर, तो उसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा फाइबर की रिक्वायरमेंट है। जितना ज्यादा फाइबर लेंगे आप देखेंगे कि आपकी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। इसी तरह से हार्ट बर्न की प्रॉब्लम, आपको एसिडिटी जैसा बहुत ज़्यादा फील होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, तो उसके लिए आप कोकोनट वाटर पी सकते हैं, आप लेमन वाटर ले सकते हैं, लेमन ऑयल जिसको हम बोलते हैं। तो इस तरह से आप अपने हार्ट बर्न की प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। सो व्हेन यू कंफर्म दैट यू आर प्रेग्नेंट, किसी भी मेथड से आपने कोई जो प्रेगा न्यूज किट्स आती है वो यूज़ की हो, तो जब आप कंफर्म हो जाते हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं तो आप सबसे पहले अपने डॉक्टर के पास जाइए। जब आपने अपना एक डॉक्टर फाइनल कर लिया है कि आपको उस डॉक्टर के पास जाना है, तो आप जब अपने डॉक्टर के पास फर्स्ट विजिट के लिए जाते हैं तो आपकी डॉक्टर कुछ ब्लड टेस्ट लिखती है एंड कुछ यूरिन टेस्ट लिखती है। कुछ का मतलब बहुत लंबी लिस्ट होती है ब्लड टेस्ट की। उसके बाद आपका 6 वीक पे फर्स्ट अल्ट्रासाउंड होता है। तो जनरली क्योंकि आपको 5 and 6 वीक्स पर ही पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट हैं, तो एकदम से वो बोलेगी आपको कि आपको फर्स्ट अल्ट्रासाउंड कराने की रिक्वायरमेंट है एंड एक सेकेंड अल्ट्रासाउंड होता है जो कि होता है 12 वीक पर। तो 6 वीक बहुत इनिशियल होता है, इसलिए 12 वीक पर आप अपने डॉक्टर से बोल सकते हैं कि आपको अपने बच्चे की हार्ट बीट सुननी है, तो वो आपको आपके बच्चे की हार्ट बीट भी सुनवाती है। देन जब आप अपने डॉक्टर के पास विजिट के लिए जाते हैं तो आपके डॉक्टर आपको कुछ प्रीनेटल विटामिन्स देती है, जैसे कि आयरन, कैल्शियम, इसके अलावा प्रोटीन भी देती है। तो बेस्ड अपॉन आपके शरीर को क्या रिक्वायरमेंट, आपके बच्चे को क्या रिक्वायरमेंट है, जैसे फॉलिक एसिड देती है, तो उसके बेसिस पे जो भी आपके डॉक्टर कंसल्ट करते हैं वो सारे प्रीनेटल विटामिंस आपको जरूर खाने होते हैं। एंड जो प्रीनेटल विटामिंस हैं ये आपके फर्स्ट ट्राइमेस्टर से लेके जब तक आपका बेबीज दुनिया में आता है तब तक चलते ही रहते हैं। तो हमेशा जब भी आप विजिट करें आप अपने डॉक्टर से पूछें कि ये विटामिंस मैं ले रही हूँ क्या यही कंटिन्यू करने हैं या किसी और चीज़ की रिक्वायरमेंट है। पॉइंट, हेल्दी खाने की रिक्वायरमेंट आपकी स्टार्ट हो जाती है व्हेन योर प्रेगनेंसी स्टार्ट्स। तो हमेशा पूरी प्रेगनेंसी आप हेल्दी खाना खाइए, आपके लिए, आपके होने वाले बच्चे के लिए हेल्दी खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी तरह से आपको आपकी बॉडी को हाइड्रेट रखना है, हाइड्रेशन की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। आपकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो आपके बच्चे को जो रिक्वायरमेंट है हाइड्रेशन की वो ज़रूरी है। आपकी बॉडी के अंदर जो एमनियोटिक फ्लूइड बनता है उसके लिए भी, तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो पूरी प्रेगनेंसी आपको हाइड्रेटेड रहने की रिक्वायरमेंट होती है। तो अच्छे से आप अपने आप को हाइड्रेट रखिए। हाइड्रेट रखने के लिए आप पानी ही नहीं, उसके अलावा नारियल पानी, नींबू पानी या ऐसे फ्रूट्स जिनके अंदर वाटर क्वांटिटी बहुत अच्छी होती है वो यूज़ कर सकते हैं। स्टे एक्टिव,
मैंने बहुत लोगों को देखा है, मैंने अपने फ्रेंड सर्कल में बहुत लोगों को देखा है कि प्रेगनेंसी का मतलब है आराम करो। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्रेगनेंसी का मतलब है कि आप जैसे अपना पहले लाइफस्टाइल था आपका, वैसे ही आप कंटिन्यू रखिए अनटिल एंड अनलेस आपकी प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशन है, आपके डॉक्टर ने आपको मना किया है। मैं आपको सजेस्ट करूंगी, एक्टिव रहिए, आप योगा कर सकते हैं, आप हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर सकते हैं डॉक्टर से पूछ के, आप वॉक कर सकते हैं। आई सजेस्ट कि अगर आप पहले एक्सरसाइज नहीं करते थे तो अभी रुक जाइए, एकदम से आप एक्सरसाइज करने लगेंगे तो आपकी बॉडी को उस तरह की आदत नहीं होती। आप हमेशा अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए कि क्या आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, डॉक्टर आपको क्या गाइड करती है, जो एक्सरसाइज वो बताती है। आजकल तो बहुत सारी पेरेंटल क्लासेस चलती हैं, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, वो अच्छे से आपको बताते हैं कि क्या एक्सरसाइजेस आपके लिए अच्छी है, नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपको कौन सी एक्सरसाइजेस की रिक्वायरमेंट है, तो आप इस तरह की क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। बेबी डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूँ फॉर फर्स्ट ट्राइमेस्टर, तो जब आपकी प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है तो बेबी का साइज होता है 1/4 inch एंड 12 वीक्स तक होते होते वो 3-4 inches होता है। तो दैट इज अ स्मॉल पार्ट, बहुत छोटा सा होता है, इसीलिए आपकी जो वेट है वो भी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ता है एंड आपका बेबी बम भी इनिशियल फेज में नहीं शो होता है, क्योंकि बेबी बहुत ही ज़्यादा छोटा एंड टाइनी होता है। इसके अलावा कुछ सोशल मीडिया ऐप्स अवेलेबल हैं, जैसे कि मेरे फ़ोन में बेबी सेंटर ऐप थी, उसमें आपको अपनी ड्यू डेट डालनी होती है, आपकी LMP डेट डालनी होती है एंड उसके बाद वो डेली बेसिस पे आपको आपके बच्चे की ग्रोथ के बारे में, आपके बारे में बहुत कुछ बताता है। तो इस तरह की और भी बहुत सारी ऐप्स अवेलेबल हैं। एक ऐप मैंने आपको बताई बेबी सेंटर, जो मैंने अपनी प्रेगनेंसी में यूज़ करी। इसके अलावा पढ़िए, बुक्स पढ़िए, इंटरनेट पर सर्च करिए, तो बहुत सारी नॉलेज आप गैदर कर सकते हैं अपने बारे में, अपने बच्चे के बारे में, प्रेगनेंसी के बारे में, कि ये फीस कैसे होता है, डेली बेसिस पे क्या होता है, बच्चे का अब कितना साइज है, अब बच्चे की कितनी डेवलपमेंट हो चुकी है। तो ये सारी चीज़ें आपको जब आप पढ़ते हैं एंड आप सुनते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता है एंड अच्छा भी फील होता है। इसके अलावा आप अपने कुछ एक्सपीरियंसेस नोट डाउन भी कर सकते हैं, क्या फर्स्ट अल्ट्रासाउंड के लिए कौन सी डेट पे गए, सेकंड अल्ट्रासाउंड के टाइम पे कौन सी डेट पे गए, अपने फर्स्ट टाइम कब अपने बच्चे की हार्ट बीट सुनी, तो ये सारी चीज़ें भी आप नोट डाउन कर सकते हैं एंड बहुत जब कुछ टाइम निकल जाता है एंड आप अपने वो नोटेड डाउन चीज़ें देखते हैं तो आपको बहुत अच्छा फील होता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि हाउ वॉज माई फर्स्ट ट्राइमेस्टर। तो हमने कंफर्म किया था कि आई एम प्रेग्नेंट ऑन 31st of October 2017 व्हेन आई वाज 5 weeks प्रेग्नेंट। तो हमने प्रेगा श्योर के थ्रू चेक किया एंड दैट वाज पॉजिटिव। तो हमने आसपास डॉक्टर कंसल्ट किया कि कौन डॉक्टर बेस्ट है आसपास, तो हमने एक डॉक्टर कंसल्ट की, हम उनके पास गए। तो फर्स्ट अपॉइंटमेंट में उन्होंने हमें बहुत सारे टेस्ट लिखे, यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट एंड जब उनकी रिपोर्ट आ गई तो उन्होंने हमें अल्ट्रासाउंड लिखा। अल्ट्रासाउंड था 6 week वाला एंड 6 week तक सबको बहुत अच्छा था, वी वर वेरी हैप्पी। उसके बाद 7th week से आई स्टार्टेड वॉमिटिंग। वॉमिटिंग मीन्स एक्सेसिव वॉमिटिंग, मुझे कुछ भी मैं खाती थी, कुछ भी पीती थी, अगर मैंने एक सिप भी ले लिया पानी का तो मुझे पता है कि मुझे वॉशरूम जाना है, वॉमिटिंग करना है, देन आई विल फील लाइट। तो ये मुझे स्टार्ट हो गया था 7th week से एंड एक फोबिया हो गया था मुझे कि मैं कुछ भी नहीं खा पाती थी, कुछ भी मैंने खाया तो उसका मतलब वॉमिटिंग करने जाऊंगी एंड इसी वजह से ऑफिस में बहुत सारे लोगों को पता चल गया था कि आई एम प्रेग्नेंट, क्योंकि मैं खाती थी एंड वॉमिटिंग करने जाती थी वॉशरूम में। इसके बाद क्योंकि मैं कुछ खा नहीं पाती थी तो एक फियर हो गया था, तो मेरी डॉक्टर मुझे बहुत ज़्यादा डांटती थी, बोलती थी आप कुछ खाओगे नहीं, आपके लिए, आपके बच्चे के लिए बहुत खराब होगा एंड मैं उनको बोलती थी कि मैं कैसे खाऊं, मैं कुछ खा ही नहीं पा रही हूँ, मैं खाती हूँ वॉमिटिंग हो जाता है। तो वो कहती थी खाओ, वॉमिटिंग हो जाता है, कुछ तो पेट में रहेगा ना, खाओ आप जितना आप खा सकते हो। बट मेरी मतलब कोई सिचुएशन उस टाइम समझने के लिए रेडी नहीं था कि हाउ आई वॉज फीलिंग एट द टाइम कि मैं कुछ खा नहीं पा रही हूँ एंड एक फोबिया हो गया था कि मैं खाऊंगी तो बाहर आएगा, स्टमक मेरा दुखता था बार बार वॉमिटिंग करने से। उसके बाद वॉमिटिंग की उन्होंने कुछ दवाइयाँ दी थी जो उन्होंने बोला था 90% वर्क करती है, बट मेरे केस में कोई वॉमिटिंग की किसी भी दवाई ने कोई वर्क नहीं किया। तो उन्होंने मुझे बोला था कि शुरू के 3 months में, ये बहुत सारी गर्ल्स के साथ प्रॉब्लम होती है, 3 months के बाद ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा, बट मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, मेरी वॉमिटिंग कंटिन्यू रही 4.5 months तक एंड 4.5 months के बाद धीरे धीरे मेरी लाइफ शेड्यूल पे आने लगी वापस से
एंड देन आई स्टार्टेड इन्जॉइंग माई प्रेगनेंसी. 4.5 मंथ्स मेरे बहुत खराब गए हैं क्योंकि डॉक्टर ने बोल दिया था कि कुछ लोगों को ओवरऑल पूरी प्रेगनेंसी वॉमिटिंग होती है. तो मुझे लगने लगा था कि शायद मैं उन गर्ल्स में से हूँ जिनको 9 महीने वॉमिटिंग होने वाला है. प्लस क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा वॉमिटिंग होती थी तो वेट गेन होने की बजाय मेरा 6 kg वेट लूज हो गया था. आई स्टार्टेड माई प्रेगनेंसी ऑन 59 kg एंड मेरा 53 kg वेट हो गया था शुरू के 3 मंथ्स में. तो मेरे लिए सिचुएशन बहुत ख़राब हो गई थी एंड शुरू का जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर था दैट वॉज फियरफुल फॉर मी. तो ऐसा सब लोगों के साथ नहीं होता है, ऐसा हो सकता है आपके साथ ना हो क्योंकि सबकी प्रेगनेंसी डिफरेंट होती है, सबके लिए फेज बिल्कुल डिफरेंट होता है. बट हाँ, मेरे केस में ये बहुत ज़्यादा वर्स था. तो ये तो था सारी इन्फॉर्मेशन फर्स्ट ट्राइमेस्टर से रिलेटेड. होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा. अगर वीडियो अच्छा लगा है और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए. ऐसे लोगों के साथ, ऐसे प्रेग्नेंट लेडीज़ के साथ आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं ताकि नेक्स्ट टाइम मैं कोई नई वीडियो बनाऊँ तो आपसे मिस ना करें. अब मेरे पर्सनल अपडेट्स के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक उसका ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. थैंक्स फॉर वॉचिंग.